मुनस इलाही का मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। मुकदमे से कबल इंक्वायरी करना जरूरी है, वकील मुनस इलाही की जानिब से कहा गया। तफ्तीश के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। FIA का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। तफसीलात जाने के नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, काफिली के रहनुमा मुनस इलाही ने FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में मुनस इलाही ने अपने वकील आमिर सईद को पिटीशन तैयार करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस सिलसिले में मुनस इलाही के वकील आमिर सईद का ये कहना है कि मुकदमे से कबल इंक्वायरी करना जरूरी है और FIA के रूल्स को मद्देनजर नहीं रखा गया, तफ्तीश के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। वकील का ये भी कहना है कि FIA का मुकदमा बदनीयती पर मबनी है और इस इकदाम को जल्द लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे और अदालत से इस्तदआ करेंगे कि मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करने का इकदाम कलदम करार दे, क्योंकि मुकदमा दर्ज करने से कबल ना तो कोई इंक्वायरी की गई, ना तफ्तीश की गई और ना ही मुनस इलाही को तलब करके उनका मौकफ जानने की कोशिश की गई और इसी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला कलदम करार दिया जाए। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया।